हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट एडमिशन, मायसेल्फ हिमांशु। और आज इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कॉलेज का एक रिव्यू। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस कॉलेज के बारे में हम जानेंगे, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और सबसे ज़रूरी डायरेक्ट एडमिशन प्रोसीजर, क्योंकि इस समय वही सबसे ज़रूरी है, और इसकी प्लेसमेंट, इसकी फीस स्ट्रक्चर और भी ढेर सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो में आगे। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का एक मशहूर कॉलेज, जिसमें आप एडमिशन लेके अपने करियर को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये कॉलेज 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी जो एफिलिएशन है वो प्राप्त है GGSIPU यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो अगर आप सोच रहे हैं इस कॉलेज में पढ़ने का, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो दिल्ली IPU की डिग्री मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस कॉलेज की लोकेशन की, तो ये कॉलेज रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये कॉलेज बीटेक की वजह से फेमस है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले जिससे आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकें, तो आपके लिए कॉलेज बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि इस कॉलेज की जो स्पेशलिटी है वो है इंजीनियरिंग। इसमें आपको CSE, IT, EEE, ECE ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं हम इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके 12th में 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो इस कॉलेज में आप एडमिशन JEE मेंस के थ्रू भी ले सकते हैं, और IPUCET का जो एंट्रेंस एग्जाम है IPU यूनिवर्सिटी का, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस कॉलेज का जो एनुअली फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ 97,000 अप्रोक्स है, और देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग ये एक एवरेज है, और IP के मोस्टली कॉलेजेस में इतना ही प्राइस देखने को हमें मिलता है BTech के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए फीस से लेके एडमिशन से लेके, ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले। तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज निकला है वो है 14 लाख पर एनम, और जो लोएस्ट पैकेज यहाँ से निकलते हैं वो 4 लाख पर एनम होते हैं। इस कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिलने की संभावना रहती है। और दूसरी बात, आपकी स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं प्लेसमेंट के लिए। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं यहीं पर समाप्त। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। तो अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड या डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आपका एडमिशन हो नहीं पा रहा है, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, आप हमें मेल करके अपना नंबर सेंड कर सकते हो। तो आप कॉल कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, भूलना मत। और इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।